हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म। सो दोस्तों, आप लोगों को यह स्कॉलरशिप पाना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, साधारण से आप लोगों को स्टेप फॉलो कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, आप लोगों को वीडियो पूरा फॉलो कर लेना है और आप लोगों का स्कॉलरशिप आ जाएगा। आपको वो कैसे आएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, जो पिछले वीडियो मैंने बना दिए हैं पोस्ट मैट्रिक के दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट 11-12 के और प्री मैट्रिक यानी 9th-10th के, ठीक है, मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और आज जो दोस्तों बताऊँगा मैं पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट यानी कि 11-12 को छोड़कर जो स्टूडेंट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन स्टूडेंट आते हैं, जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं, ठीक है, BA कर रहे हैं, ठीक है, MSc कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक BTech कर रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट MPharma कर रहे हैं, तो वे यहाँ पे होते हैं अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट। यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, उनका मैं आज फॉर्म भरूँगा, ठीक है दोस्तों। जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वे यहाँ पे ऐसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं उनका रजिस्ट्रेशन आज दोस्तों बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, सो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट ये ग्रेजुएशन का है रजिस्ट्रेशन फ्रेश, उसके बाद आता है OBC का यहाँ पे फ्रेश, ये रहा पोस्ट मैट्रिक अदरदन, उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी का ये रहा, उसके बाद दोस्तों आता है रिन्यूबल वालों का पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट का। मैं रिन्यूबल का भी भरूँगा दोस्तों, एक स्टेप बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देख लेना है, जो भी नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब मारो और कुछ, ठीक है, आप लोगों को सब्सक्राइब ही कर लेना है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट का यहाँ पे फ्रेश वालों का, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या करना है वो आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देख सकते हो, जिला जो आप लोगों का जिला हो वो आप लोगों को भर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का जिला होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है संस्थान का नाम, जो आप लोगों को संस्थान में पढ़ रहे हो उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। शिक्षा संस्थान में जिसमें आप लोग फॉर्म अपना भरना चाहते हो वो आप लोगों को भर लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है वर्ग, आप लोग कौन सी जाति से हो, ठीक है, जो भी जाति से हो वो आप लोगों को भर लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, जो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार कार्ड में हो, ठीक है, आधार कार्ड और हाई स्कूल में जो आप लोगों का नाम हो वही आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों अपना नाम भर लेना है, ठीक है। आप लोगों कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना, जो भी गड़बड़ी करोगे दोस्तों आप लोगों का स्कॉलरशिप रुक जाएगा। आप लोगों को पूरा मेरा वीडियो फॉलो कर लेना है, ठीक है। और यही नाम भरने के बाद उसके बाद आता है दोस्तों पिता का नाम, जो भी आप लोगों का पिता का नाम हो वो आप लोगों को अपना पिता का नाम भर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का पिता का नाम हो, ठीक है। पिता का नाम भरने के बाद दोस्तों माता का नाम, जो भी आप लोगों की माता का नाम हो वही आप लोगों को अपने माता का नाम भर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का माता का नाम होगा, ठीक है दोस्तों। सो माता का नाम भरने के बाद इसके बाद आता है जन्मतिथि, आप लोगों की कितनी जन्मतिथि है वो आप लोगों को अपना भर लेना है, जो भी आप लोगों की जन्मतिथि हो, ठीक है, वही आप लोगों को अपनी जन्मतिथि भर लेनी है, ठीक है, जो भी आप लोगों की जन्मतिथि हो। जन्मतिथि भरने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लिंग यानी कि आप पुरुष हो महिला हो, तो यहाँ मैं पुरुष हूँ तो मेल सेलेक्ट करूँगा, महिला हो तो फीमेल करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का बाद आपने कौन से सन में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है वो दोस्तों आप लोगों को अपना भर लेना है, ठीक है, जो भी सन में आप लोगों ने उत्तीर्ण किया है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड
आप लोगों का कौन सा बोर्ड्स है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी या बोर्ड, अदर बोर्ड, ये जो भी आप लोगों का बोर्ड हो वो आप लोगों को भर लेना है। तो मैं यूपी बोर्ड हूँ, यूपी बोर्ड भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक आप लोग देख सकते हो ये वाला जो है इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पर आप लोगों का हाई स्कूल का बोर्ड का अनुक्रमांक, जो आप लोगों का रोल नंबर हो वही आप लोगों को भर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे भरने के बाद अब आता है विद्यालय संस्थान का नाम, पता हाई स्कूल विद्यालय का नाम जिसमें आप लोगों ने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है उसका आप लोगों को नाम भर लेना है, ठीक है। जो इसमें भी आप लोगों ने हाई स्कूल उत्तीर्ण की है दोस्तों उसका आप लोगों को अपना हाई स्कूल का यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्कूल भरने के बाद उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, जो भी आप लोगों का मोबाइल नंबर हो वही आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भर लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर भरने के बाद दोस्तों जब आप लोग भर लोगे, ठीक है, उसके बाद आता है दूरभाष नंबर, ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आप लोगों को भर लेना है, अपनी ईमेल आईडी जो भी आप लोगों की ईमेल आईडी हो वही आप लोगों को भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग ईमेल आईडी अपनी भरोगे दोस्तों, ये ऐसी ईमेल आईडी होती है दोस्तों, ऐसे आप लोगों को भर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्वनिर्मित पासवर्ड, दोस्तों पासवर्ड आप लोग नहीं बना पाते हो, काफ़ी स्टूडेंट नहीं बनाते तो उनका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो आप लोगों को पासवर्ड कैसे बना लेना है, जैसे आपका नाम है सुमित या अमित, तो जैसे अमित है तो अमित लिखोगे, ठीक है। उसके बाद ए जो है आप लोगों को कैपिटल लेटर में लिखना होगा, उसके बाद स्मॉल लेटर में अमित, उसके बाद दोस्तों स्पेशल करेक्टर एट द रेट 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग ये नंबर भर सकते हो, स्पेशल करेक्टर नंबर और ए जो है सबसे पहले जो है कैपिटल लेटर में बनना होगा। ऐसे आप लोग अपना पासवर्ड बना लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का नाम है। जैसे कि दूसरा पासवर्ड बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे टीलू, दोस्तों टीलू टीलू, ठीक है, टीलू, टी जो है कैपिटल लेटर, उसके बाद एट द रेट स्पेशल करेक्टर और ये नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लोगों को अपना स्वनिर्मित पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ, जो भी यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद यही पासवर्ड कन्फर्म नीचे भी डाल लेता हूँ, ठीक है। नीचे डालने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा है दोस्तों यहाँ पे भर लेना है, ठीक है, ये कैप्चा यहाँ पे भर लेना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे कैप्चा है दोस्तों यहाँ पे आप लोग कैप्चा अपना भर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद दोस्तों उसके बाद आता है ये कैप्चा भर लिया, उसके बाद दोस्तों सबमिट पे आता है क्लिक, आप लोगों को अपना सबमिट कर लेना है, लास्ट में बसता है, ठीक है। तो आप लोग सबमिट कर लेना है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों, ये 2020-21 का रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोगों के सामने है दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीटेक, एम फार्मा, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं तो वे लोग ऐसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब दोस्तों बताऊँगा रिन्यूबल वालों का, ठीक है, तो रिन्यूबल वालों को कैसे कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे मिल जाएगा रिन्यूबल, एससी एसटी जनरल कैटेगरी रिन्यूबल, और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का मैं करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे रिन्यूबल का आप लोगों को कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को अपना जो भी रजिस्ट्रेशन किए तो पिछली कक्षा में 19-20 की वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है, जन्मतिथि डाल लेना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दोस्तों डाल लेना है नीचे, और उसके बाद कैप्चा डालने के बाद दोस्तों उसके बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों का रिन्यूबल का यहाँ पे हो जाएगा, रिन्यूबल का बहुत ही ईजी है, 2 सेकंड में रिन्यूबल का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो रिन्यूबल का कर लिया और फ्रेश का कर लिया, उसके बाद आप लोगों का लॉगिन करोगे, जब लॉगिन करोगे तो आप लोगों का पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन मांगेगा लॉगिन में, रजिस्ट्रेशन में पासवर्ड डाल के आप लोग लॉगिन करके अपना जो भी फॉर्म है डॉक्यूमेंट हुए आप डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट डालने के बाद आप लोगों का जो है लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। 3 दिन के
बाद इस वो कॉपी आएगी। 3 दिन के बाद कॉपी आने के बाद आप लोग अपने संस्थान में जमा कर सकते हो। दोस्तों आप लोगों का लॉगिन का भी वीडियो मिल जाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।